तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। अरे यार, इन्होंने मुझे भी कलर लगा दिया, कोई बात नहीं। तो अभी क्या करते हैं कि हम सभी इकट्ठा हो चुके हैं अपने गांव में जितने भी हैं। ये देखो पैन वाल भी लगाना चाहिए। तो भाई रुक जा, अभी साहब अभी के टाइम पे ना ये सारा झूल निकालना है। इतना इकट्ठा हो चुका है, झोल निकालने के बाद ना एक भाभी है वो चैलेंज कर रही थी हमें कुछ ज्यादा ही, तो उसको चैलेंज आज कंप्लीट करना है। जरा बताना है, गलत आदमी से पंगा ले लिया है। अबे मैं आ रहा हूं ना, इतना झोल है अलग से। तो चलो फिर चले, अब दरवाजा लड़वा दिए यार इन्होंने। विजय लगा कैसे टूट गए। तो आप सभी को भी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली है। अब भाभी को भतोड़ना है, रंग लगाना है। भाभी बहुत चैलेंज कर रही थी ना कि मन में तुम्हारी पिटाई करूंगी, आज देखते हैं। लगा दो हल्का। होली के दिन में ना यहाँ पे सभी लोग खेतों में हल चला रहे हैं। आइए भाभी, ये है अपनी फौज। तो ये रंग से बचने के लिए ना यहाँ खेतों में हल लगाने के लिए आ रखे। सुबिन भाई भी बैठा है नीचे। हलना इंतजार करो सुबिन, इधर। कोई बात नहीं, सबर रखो। टांग तोड़ देनी है बल्कि इन्हें। हल्ला निकाल रहा इन्हें, हल्ला निकाल रहा। सुबिन मैं था, ओ सुबिन उबो आना। तो अभी बैल जल करे ना, बैल डरेंगे, इस वजह से सब फील्डिंग बिछा के बैठे। ये भाभी को ज्यादा ही बंदी थी ना। तो आज भाई जी ओ भाई जी, चल ले जा, बोल दो थे फटाफट। अरे मैं क्या, हम क्या बोलना चाहिए, बोल तो ले जाओ हम ही नहीं। तुम दूर हो जाओ, इन्हें आ जा, सीमा दिशा ले जा, चुपचाप से बैठ जा, सब बैठ जा। तो भाभी चली गई नीचे। सुनो बल्द मल्ले में रहने, बहुत तालियम चल गया। चलो तुम रुक जा जरा, बहुत तालियम चल गया। यमी रुक जा, आ जाओ यमी, चलो चलो भागो। तो सब ने भाभी को एकदम काला पीला बना दिया है। भाभी चिढ़ गई, बल तूने पानी कैसे फेंक दिया। मजा आ गई सोबिन भाई। सुनो पानी ले लो, उमर पानी ले लिया, पानी कहते हैं हम। अबे यार तुम गवर्नमेंट कैमरा पकड़ा, अभी फिर लगा देंगे, अभी मुंह धो दो। दबुआ क्या हालत हो गई। भाई हम तैयार ना। होली नीरा शेत ही पकड़। होली दो वहां भाग गए डर के, थक गए थोड़ा। भाभी चिढ़ गई। हाँ बल मेरे पर लगाना, बल रंग है, भूत बना दिया भूत।
मजा आ गई भाई। होली है, हैप्पी होली। चाची अब आ रही है। अरे होली खेल रे ले रे अरे मुंडो उठलो पड़े आ आ सन्नी मजा आ गया भाई। इन्हें देखी बो इन्हें देखी इन्हें देखी ये तो अभी के टाइम पे दादी और के घर पे भी आए हैं होली खेलने के लिए। चलो भाई आ जाओ सब के सब आ जाओ। अभी टीम कम हो चुकी है पर लगाना जरूरी है। हैप्पी होली। चलो दादी फिर नहीं लगा दान आदमी फिर रुक जा तू खत खत के ले। जब टीम खत्म हो जाना तब तिलमी मंगना गणा। अरे वाह आ जाओ सब आ जाओ पहनना बोरा पहनना। हाँ तो होली खेलने आए आजकल बोरा जी भी घर पे आए हैं अब बोड़ी भी आई है। नमस्ते बोरा जी हैप्पी होली। चलो भाई रंग लगा दो सबके सब बारी बारी से। चलो आ जाओ पहले होली खेलने के बाद बोरा आराम से। अच्छा चलो फिर देख टीवी देखो पहले। चलो टीवी बनाते बोरा जी की। चलो रंग लगाओ भाई सब लगाओ। चलो 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 अभी जो अपना ग्रुप है ना थोड़ा ग्रुप कम हो चुका है तो धीरे धीरे करके शायद दोपहर में ग्रुप बढ़ जाए। बोड़ी तुम ना चाहिए ना चाहिए बोड़ी ऐसा मैं मुझे लगा कि बोड़ी नहाई है और ये कुछ ज्यादा ही लगा रहे हैं। कैसे कैसे हो रखे एकदम। तो अभी सब खेलेंगे साथ में होली पर गांव में कम बोड़ी कम लोग रह गए गांव में। कम है बाबू। और इतने जितने लोग हैं उतने होली खेल रहे हैं। हम तो सोच रहे हैं कि सारे गांव इकट्ठा हो ना बड़े बड़े पर मुझे नहीं लग रहा इस बार होंगे ना कम लोग कम रह गए। अभी होंगे आएंगे हाँ खेतों में जा रखे आजकल सब हल वगैरह लगा रहे ना। हाँ बुताई चल रही है। बुआरा को भी क्या बना दिया तोते जैसा है। सबको लगा भाई किसी को नहीं छोड़ना। मिक्स नहीं रहे बस सबको रंग लगा दो एकदम बढ़िया से मजा आ जाएगी। थोड़ा सा ले ले ज्यादा मत लिया। अब पानी ठंड रही बुआरा जी पानी ठंडा है पानी की होली नहीं खेलते इस बार। तो आज क्या मस्त बढ़िया मौसम हो रखा है। साइड में देखोगे ना नीचे क्या हरियाली होनी शुरू हो गई है। आज धूप भी काफी बढ़िया है मस्त बढ़िया वाली धूप लगी है। तो चलिए फिर अब आगे भी चलते हैं ऊपर साइड में चलते हैं। अभी लोग घर पे होंगे जो उनको भी लगाते हैं। हैप्पी होली चाचा हैप्पी होली। होली है चाची भी आ गई। झोलना वाला ही सब फील्डिंग तैयार हो चुकी है। लगा दो होली है। आपका नहीं जानी चाची। अरे साल भर में तो लगा दो टीका लगा दो पहले टीका लगा दो बढ़िया से थोड़ा लगा दो। मजा आ गया भाई लगा दो। अभी के टाइम पे अपनी पूरी टीम निकल चुकी है। पिछली बार भी मेरे पे झोल लगाया था इस बार भी ये झोल लगा दिया। देखो कैसा लग रहा है कितनी बड़ी फौज है। आज लग रहा है अपने गांव में बच्चे आज कितने सारे बच्चे आ रखे हैं। तो चलिए फिर चलते हैं। चाची उधर बैठी है वहाँ पे आराम से लेट के देख रही है हमें और आ नहीं रही है जान बूझ के इस साइड में। यहाँ पे चाची बैठी है। चाची गायब हो गई यानी कि इन झाड़ियों के अंदर चाची पता नहीं कहाँ चली गई। चाची मिल नहीं रही अभी ढूंढते हैं। मैं तो काला हो गया। तो ये है झोल वाली होली यार माँ कसम झोल लगा दिया इन्होंने। यहाँ पे चाची का इंतजार किया जा रहा है। यहाँ पे फील्डिंग भी छा रही है भाई। एक से एक बदमाश है यहाँ पे अपने पास। ये बदमाश पड़े एक से एक ये देखिए।
एक से गुंडे है यहाँ पे। तुम तो शौक हम इंसान इन्हें देख सीमा इन्हें देख इन्हें देख भाना ये हमारी गैंगस्टर की लीडर। हाँ ये गैंगस्टर लीडर ये भाना मजा आ गया जो भी है। ले आप बड़ा सर सर है ले यहाँ पे सब इंतजार कर रहे हैं। ये देखिए अब ये धाक में बैठे कब कौन सा मुर्गा मिले और उस पर रंग लगाया हम। इन्हें देख चाची दिखी नहीं चाची ये फील्डिंग पूरी चाची के लिए बिछाई है और चाची इधर पता नहीं कहीं छुप गई है झाड़ियों में। तो अभी गांव की ओर ही चलते हैं वापस से। अबे यार सिट पाए ना यार ये बहुत जा रही थी ना बीच में पर पानी की होली नहीं खेलना। तो ये बहाना का भी बन गया बंडल। नल चला दो नीचे पानी की कोई कमी नहीं है अपने गांव में। तो सीमा को ना ग्रीन कलर से नफरत थी तो पूरा ग्रीन ग्रीन हो गई वो। ओहो ठंड लग गई। होली भी खेल चुके अभी ना धो लिया भाई अब नहीं खेलने वाले अब चाय पी रहे गर्मा गर्म। अब सब इंसान से लग रहे हैं और भाभी को भी क्या बनाया हमने। तो भाभी अभी खेत से ही अभी आ रहे हैं हल लगा के। आज शाम के टाइम थोड़ा घूमते हुए अभी जोगीमढ़ी आए हैं। नमस्कार भाई जी। हाँ बस बढ़िया। हाँ जी हाँ जी अरे गजब। अभी के टाइम पे ना खलियू साइड में आए हैं घूमने के लिए और भाई जी हमें इस बार दोबारा मिल चुके हैं। यानी कि जब हमें लास्ट टाइम जब यहाँ पे आए थे ना जब इनकी भीड़ हुई थी तो तब भी मिले थे और भाई को भीड़ वापस बताया था कि मैंने यहाँ पे आपकी भीड़ है आपने आवाज दी थी उधर से। हाँ तो भाई को पता चल गया था सुन ली थी आवाज। मैंने समझा कि नहीं सुन पाएंगे पर भाई ने सुन ली थी उस दिन आए थे और आते ही आज दोबारा से फिर पहचान भी लिया। और भाई के साथ मैंने कहा था कि ट्रिप मारेंगे इनके साथ अभी दूधा तोली की साइड में तो यहाँ से निकलने में इनको थोड़ा टाइम लगेगा मतलब कल परसों तक निकलेंगे। अच्छा कल सुबह निकलेंगे जब ये भाई पीटी साइड में जाएंगे ना पीट सैंड बिन्स साइड में तो तब यहाँ से मैं निकलूंगा तब इनको ज्वाइन करेंगे और दूधा तोली के अंदर जो जंगल है ना उसको पूरा सर्च करेंगे वहाँ पे भी मजा आ जाएगी भाई साहब। चलो भैया हिल स्टेशन है वो बढ़िया अच्छी जगह है ना बहुत अच्छी जगह देवदार के पेड़ अभी और बहुत अच्छी जगह अभी गया था मैं दो तीन हफ्ते पहले दूधा तोली में गया था। बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे वीर चंद सिंह गढ़वाली स्मारक वहाँ तक गया था। वहाँ पे जगह काफी अच्छी जगह है वहाँ से वापस आया मैं तो इस बार उससे भी आगे एक बार देखेंगे अगर जो अच्छा लगा तो मजा आ जाएगी आगे भी जाएगी। पूरी जगह घुमाएंगे ज्यादा मॉल ही जाना जैसे हम जाते रहते तो पूरा बता देंगे आपको एक एक जगह बता देंगे ये बहुत अच्छी जगह तो भाई लोगों को काफी एक्सपीरियंस है ना इनको। ये बाई रोड नहीं चलते ये चलते जंगलों जंगलों से ये चलते बिल्कुल ही नेचर के अंदर नेचर के साथ जुड़े हुए हैं तो नेचर के अंदर जब चलते हैं ना जंगलों के अंदर तो वहाँ काफी ज्यादा अब हरियाली का सीजन भी आने वाला है तो बड़े मजा आता है भाई बड़ी प्यारी खूबसूरत सी जगह दिखाई देती है। तो भाई बिल्कुल आपके साथ चलेंगे मिलेंगे आपको आप भी जोगीमढ़ी जा रहे थे ना। नमस्कार जी भाई जी ठीक ठाक तो अभी चलते हैं घूमते फिरते।
उस साइड में भी चलते हैं, उस साइड में देखते हैं। अभी के टाइम पे ना इन भेड़ों को देखने के लिए आ रखे हैं, सफेद भेड़े कितनी सारी है ना, तो ये 800 के आसपास करीबन है तकरीबन। और ये देखे क्या झुम से, और इनके साथ ना बच्चे बच्चे, अगर जो जितने भी छोटे बच्चे होंगे ना इनके टेंट के पास होंगे। देखिए यहाँ पे भी छोटे बच्चे हैं, ये घूम रहे हैं, पर जो सबसे छोटे होंगे ना वो इनके टेंट के पास होंगे। हाँ, और ये लास्ट टाइम आए थे ना तो ये बोगटे पता कितना छोटा था, इतना था ये, और आज फिर दिख गया ये, और आप कितना बड़ा हो चुका है वही बोगटा यार। और ऊपर से ये नीचे की तरफ लेके आ रहे हैं, और अब इनको भगाओ मत, हम नीचे चलते हैं वहां से एक राउंड मार के आते हैं। तो भाई कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, हमारे साथ आओ और अपना मतलब हमको ज्वाइन करो, भाई कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, जब भी आपका मन करे आप आ सकते हो। तो ये बढ़िया बात है, और मैं सोच रहा हूँ कि इनको शायद दूधातोली के अंदर टाइम मिले तो वहाँ के जंगलों में इनको ज्वाइन करते हैं। अगर जो आपको क्या लगता है, अगर जो आप कहोगे कि दूधातोली के जंगलों पे इनको ज्वाइन कर, तो मैं आपके लिए कर सकता हूँ ना। तो मैं सोच रहा हूँ कि जोशीमठ के बाद ना इनके साथ एक महीना रहूँ, और उस साइड में ऐसी ऐसी जगह हैं देखने लायक जहाँ आज तक कोई गया नहीं है, और ये ऐसी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ एक्चुअल में कोई गया नहीं है। तो भेड़े इनकी रात भर यहीं पे रहेगी, और इनके भोटिया डॉग इधर ही है, चारों कोनों में फैल रखे हैं अलग अलग जगहों में, और छोटी छोटी चिनकियाँ इससे भी छोटी जो होंगी। अभी अभी के टाइम पे तो क्या करते हैं ये, जो भेड़े होती है उनकी माँ के पास छोड़ देते हैं ये, तो इनको नॉलेज होती है, पहचान लेते हैं। ये देखें मेरे पीछे पीछे आ रहा है, हे अबे मैं नहीं हूँ वह। तो ये देखिए इनका डॉग भाग रहा है यहाँ से ऊपर की साइड में। इनकी जो भेड़े हैं ना इनके सींग देखिए, नए आदमी को देख के डर रही हैं। अब नाइट में सब एक सामने इकट्ठे हो जाएंगे और वहाँ पे बैठ जाएंगे। तो अभी देखते हैं यहाँ पे चलते हैं, और साथ में इनके खच्चर भी चलते हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है, इनके पास जो सामान होता है ना भारी भारी, जितना भी सारा सामान होता है, तो वो खच्चरों में ही लाद के चलते हैं ये। और इनके घोड़ों को देख के डर भी लग रही है, कहीं मारे ना बस। और यहाँ पे इनका अपना किस चीज़ का सामान है ये, यहाँ पे इनका पूरा अपना टेंट का सामान है। तो यहाँ पे करते क्या है कि नाइट में ये खाना यहीं पे बनाएंगे, और साथ में ये देखिए भेड़ों की जो चटाई बना रखी है इन्होंने, क्या बोलेंगे इसको मुझे पता नहीं है, पर ये भेड़ की खाला है एक्चुअल में, आप देखेंगे। और इस साइड में भी ये देखिए कितनी मुलायम सी है ये, इस साइड में ये भेड़ की खाल, ओ भाई साहब ये देखिए क्या सॉफ्ट है ना, ये भेड़ की खाल है पूरी। तो इसकी इन्होंने एक तरीके से बैठने के लिए बना दिया चटाई सी। तो अभी क्या करते हैं कि ऊपर की साइड में चलते हैं, और घूमते हुए उस साइड से अब घर की तरफ चलेंगे। टाइम पे हमें दिखा एक छोटा सा प्यारा सा भोटिया डॉग, इसकी सेहत पानी तो काफी अच्छी बन रही है, और ये कैसा झूम सा और ना चुपचाप से, तो ये है प्योर भोटिया। पकड़ो, ये डरा हुआ है, और इन्हीं के बीच में भाई सब पता नहीं चल रहा था इनके बीच में ये डॉग है। चले जोगी मेरे से भी घूम फिर के आ चुके हैं, अभी खाना पीना भी हो चुका है हमारा। आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा, अगर जो वीडियो एंजॉय किया तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे एक और किसी एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।